अमेरिका और मेक्सिको के बीच बनने वाली दीवार ने अमेरिका के करीब 8 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस दीवार का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, जबकि अमेरिका के खजाने में इस दीवार को बनाने के लिए फिलहाल पर्याप्त फंड नहीं है। फंड न होने की वजह से अमेरिका में शटडाउन का दौर चल रहा है। शटडाउन का मतलब है कई लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना। दरअसल मेक्सिको और अमेरिका के बीच बनने वाली इस बॉर्डर वॉल के लिए करीब 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट चाहिए और इस बजट को पूरा करने के लिए सरकार ने इन दिनों करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। छुट्टी पर भेजे जाने की वजह से ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी।